ये अपनी थार पहुंची हुई है जीरो पॉइंट पे, जोजीला पास। बर्फ जमी हुई है, ये देखो चाय बन रही है, जिंजर वाली टी। ये देखो क्या खूबसूरत नजारे हैं, क्या गजब लैंडस्केप है भाई। ग्लास से पानी ऊपर उछालोगे तो वो जम जाता है भाई। और ये एक राइडर है। पास्ता रेडी है, ये मैगी खाएंगे, कप नूडल्स भी रेडी है। हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अभी वैसे तो दोपहर हो गई और हमने अभी जस्ट गाड़ी को थोड़ा वार्म अप करने के लिए स्टार्ट किया है। यहाँ मेरा स्टे था ऊपर की तरफ रूम में, काफी अच्छा स्टे रहा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, खाना बहुत अच्छा था, खाना खा लिया, वेजिटेरियन फूड मिल गया। हे गाइस, आज का सफर शुरू करते हैं लेके बाबे का नाम, हर हर महादेव। इस तरफ तो ट्रैफिक है अच्छा खासा, धीरे धीरे चल रहे हैं, कई जगह जाम भी लगा था। तो मेडिसिन लेके आया हूँ कुछ एंटीबायोटिक, और तबियत सही नहीं हुई एंड इधर जाम लग गया रोड पे। देखो कितना ट्रैफिक है भाई, इस ट्रैफिक से होते हुए जा रहे हैं, आगे एंड पीछे भी सेम गाड़ियों की कतारें लगी पड़ी है। बहुत ही भीड़ जा रही है विंटर लद्दाख के लिए। वैसे विंटर का नाम ही है इस बार विंटर, मतलब वैसे ठंडी जरूर है लेकिन स्नोफॉल नहीं हो रहा है यार, कहीं चले जाओ स्नोफॉल है ही नहीं। वैसे तो इस टाइम तक कश्मीर जैसे इलाके में तो अच्छा खासा स्नोफॉल हो जाता है, इधर भी नहीं है। मनाली इस बार लास्ट टाइम नहीं हुआ था लेकिन इस बार मनाली हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। हम तो जिधर जा रहे हैं स्नोफॉल हमसे दूर जा रहा है, टक्कर टुक्कर हो गई मुझे लग रहा है। बहुत क्लोजिंग मामला चल रहा था कब का, महाराष्ट्र की गाड़ी है टैक्सी, शायद दोनों टकरा गई थोड़ी सी। सोनमर्ग से थोड़ा सा पहले के नजारे देखो आप, क्या सही माउंटेन है यार। ये है सिंध रिवर जो बराबर से होती हुई आगे की तरफ जा रही है। रिवर व्यू कितना शानदार है, यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है एंड बहुत ही बढ़िया नजारे है, बहुत ही शानदार व्यू है। जगह ये है, यहाँ पे 100 रुपए का आपका टैक्स लगता है, उसके बाद आगे जाने की अनुमति मिलती है। सोनमर्ग से जस्ट थोड़ा सा पहले की ये जगह है एंड इधर के नजारे देखो आप, क्या गजब है यार, जन्नत ही लग रही है जगह। मेरे को तो गुलमर्ग से ज्यादा सुंदर सोनमर्ग लगता है, क्या सही लैंडस्केप आ रहे हैं ऊपर की तरफ। सोनमर्ग गुलमर्ग कहीं चले जाओ आपको यही चीजें देखने को मिलेगी। देखो ये देखो इधर भी सब बर्फ देखने जा रहे हैं और कुछ नहीं है, यहाँ भी वो सेम ही चीज है। हम वहाँ इंडिया के फ्लैग तक चल के आते हैं। स्टोरी पार्क बनाया गया यहाँ पे एंड पीछे के साइड में स्नो माउंटेन और ये इधर फ्रेम, मतलब प्रॉपरली फोटोग्राफी टाइप की जगह बनी हुई है। कितना सही लग रहा है पीछे के लैंडस्केप के साथ में ये स्टैचू, लुक एट दिस इंडियन फ्लैग एंड 75 आजादी का अमृत महोत्सव। जो भी आपको लेना देना होता है अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो यहीं से ले लो, इसके बाद में शायद बड़े ऑप्शन नहीं आएंगे। मेरी गाड़ी में अभी तेल लगभग हाफ टैंक के आसपास है, आपसे थोड़ा सा ऊपर है, तो अगर पेट्रोल पंप आता है तो हम यहाँ से टैंक फुल कराएंगे क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ जोजीला पास। एवरीबॉडी देखिए अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, अभी जोजीला पास की तरफ, नीचे नीचे की तरफ टनल का काम चल रहा है। चढ़ाई वाला रास्ता तो फिर भी आसान लगता है ये एंड उतरने वाला तो भाई सुपर टफ है, सुपर टफ है जो जिला की तरफ जाते हैं तो। और लद्दाख की तरफ का रास्ता खुला है अभी तक तो। गाइस ये अपनी थार, अपना मॉन्स्टर एंड ये देखो क्या खूबसूरत नजारे हैं, ये ब्यूटीफुल नजारे हैं। जोजीला की तरफ जा रहे हैं अपने अभी और वहां आएगा कश्मीर और लद्दाख का बॉर्डर। लद्दाख नाम से थोड़ा सा अंदर कुछ ना कुछ होता है तो देखते हैं। एंड नीचे के साइड में ये आप देख रहे हो ये टनल बन रही है, जोजीला टनल जो कि काफी लंबी चौड़ी टनल होगी। आने वाले टाइम में ये स्नो माउंटेन हमें नहीं नसीब होंगे। वो जो आप देख रहे हो सामने साइड वो रोडे हैं, वो रोड है जोजीला पास की तरफ, और वो रोड देखो कितने स्टीप और कितने डेंजरस है। उन्हीं रोडों से होते हुए अभी मेरे को जाना पड़ेगा। इतना खतरनाक वाटर क्रॉसिंग आया है, ऊपर से पानी आ रहा है, इधर वालों के लिए थोड़ा टफ है, हमारे लिए तो निकल जाएगी थार, तो निकल जाएगी भाई हर जगह से निकल जाएगी थार, तो कहीं नहीं अटकती है। इसीलिए तो भाई खुश है हम इस गाड़ी से, हमारी मॉन्स्टर से। एंड नजारे देखो आप कितना, और साथ साथ बीआरओ के वर्कर्स काम करने में लगे हुए। क्या गजब लैंडस्केप है भाई, क्या नजारे हैं।
एंड हर तरफ स्नो स्नो देखने को मिल रही है। ये इन रस्तों से आए हैं यार, कितने डेंजरस रस्ते हैं ये, और अभी ऊपर भी ऐसे रस्तों से ही जा रहे हैं। और ये अपने थार अभी अपने को जल्दी से जो जिला पहुंचते हैं उसके बाद आगे के प्लान सोचते हैं कि कहां जाना है। अभी तक फाइनल प्लान भी नहीं हुआ कि किधर निकलना है अपने को। अभी बड़ी बर्फ देखो यार, कितना शानदार लग रही है। मेरे राइट में तो पूरे के पूरे बर्फ के पहाड़ है, बर्फ जमी हुई है ये देखो, शानदार है। मतलब पूरा पानी में बर्फ जमी पड़ी है। सामने के माउंटेन्स तो गजब ही लग रहे हैं इस तरफ, आप देख सकते हो मतलब फुल बर्फीले। और ये देखो यहाँ पे बर्फ अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ऊपर भी जाएंगे वहां तो है ही है, ये देखो ये चीज का फील लेने के लिए लोग आते हैं। नजारे यू कैन सी। डिसीजन लेना है अपने को कि अपने को ऊपर लद्दाख की तरफ जाना है या वापस घर की तरफ जाना है, क्योंकि स्टोरेज भी फुल हो गई है, चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है। ये अपनी थार पहुंची हुई है जीरो पॉइंट पे, जोजीला पास। ये है जोजीला पास जिसका एल्टीट्यूड 11,649 फीट। एंड अपनी थार पहुंची है जोजीला पास। एंड यू नो व्हाट, इससे आगे है कश्मीर, इससे इस तरफ शुरू हो जाता है यहाँ से लद्दाख, और ये है जीरो पॉइंट। ये नजारा देखने के लिए आए थे हम, लेकिन ये नजारा नहीं है यहाँ पे। इन पे तो भाई नीचे तक स्नो देखने को मिल जाएगी, लेकिन इधर का कह नहीं सकते, अगर बादल आते हैं तो इधर भी अच्छी खासी स्नोफॉल हो जाती है चलते फिरते। और ये अपनी थार पहुंची है जोजीला टॉप, और यहाँ से लद्दाख की बाउंड्री शुरू हो जाती है। और अभी मैं घूम रहा हूँ लद्दाख में, और उस तरफ था कश्मीर। प्राचीन शिव मंदिर जो आप देख सकते हो, जहाँ लास्ट टाइम भी मैं जाके आया था। और ये जो जिला वॉर मेमोरियल, फोटोग्राफी अलाउड कर रखी है तो लोग देखो कहाँ कहाँ चढ़ चढ़ के फोटो क्लिक करवा रहे हैं। ये यहाँ की बैटल ऑफ जोजीला की प्रॉपर हिस्ट्री है, जो कि 1947-48 में इंडो पाक वॉर हुआ था ना, तब की है। और यहाँ से अभी निकलेंगे, ऊपर दो मिनट मत्था टेकाते हैं भगवान भोलेनाथ के, फिर निकलेंगे आगे लद्दाख चल रहे हैं। ये देखो कैसे बर्फ जमी पड़ी है, ये रिवर है वैसे तो उधर से बहती हुई आ रही, लेकिन अभी पूरा पानी नहीं जमा, बीच बीच में कुछ रनिंग वॉटर है, लेकिन ये भी जम जाएगा कुछ टाइम बाद में। प्राचीन मंदिर है जो शायद जंग के बाद का है। I know it's been a long time since you heard from me. I'm still kicking around here in Tennessee. I heard you got a new place. I heard you got a new job. I heard you got a haircut and it looks real nice. तो ये गाइस छोटी सी चेक पोस्ट आई है, एंड इनसे भी मेरी बात हुई है, अंदर जस्ट थोड़ी एंट्री करवा के आया हूँ। तो मैंने इनसे पूछा कि रास्ते कैसे हैं, ये कहते हैं सेफ है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, एक हफ्ते तक तो कहता है इतना स्नोफॉल का चांसेस नहीं है, आगे कोई जगह रोकते हैं, बढ़िया से चाय कॉफी बनाते हैं। ये यहाँ पे लगा लिया हमने सेटअप, एक तो गर्म पानी करते हैं, एक बढ़िया से चाय बना के पीते हैं। भाई इधर चाय बढ़िया नहीं मिलती, और नज़ारे देखो बिल्कुल मेरे बिल्कुल बगल में से माउंटेन्स है, और उधर सन भी सेट होने वाला है। तो सनसेट होने से पहले यहाँ ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर का गैप लेंगे, उसके बाद कंटिन्यूसली ड्राइव करना पड़ेगा, बिकॉज हमें बहुत दूर जाना है भाई, बहुत दूर जाना है, ले बहुत दूर है। और अभी वक्त रहते हैं हम थोड़ा सा कुकिंग बुकिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा अपना बिस्किट खा लेंगे बढ़िया से चाय के साथ में। गर्म कर रहे हैं, इस बोतल में डालूंगा ताकि मैं गर्म पानी पीता रहूं तो अपनी तबीयत का ख्याल रख सकूं, उसके बाद में हम बनाएंगे चाय। चाय बना के, चाय पी के, जल्दी से कुछ खा के फिर हम यहां से निकल जाएंगे। चाय बन रही है जिंजर वाली टी, और इसमें हमने इलायची सौंफ लौंग सब कुछ डाल रखा है। और ये अपना बढ़िया सा सेटअप आप देख सकते हैं, ये अपनी मॉन्स्टर अपना थार, और अभी अंधेरा होने वाला है। इस शानदार से नजारे के साथ में चाय बना रहा हूँ और यहाँ से पी के निकलते हैं, ज्यादा लेट हो गया। I heard you got a new place. I heard you got a new job. I heard you got a haircut and it looks real nice. Are you ever lonely? Do you ever... क्या टेस्टी चाय बनी यार, मजा आ गया प्योर दूध की। थोड़ा अंधेरा भी हो गया क्योंकि यार सनसेट हो गया ना, इधर पहाड़ों के पीछे जाते ही सेट ही हो जाता है, इधर 5 बजे इधर अंधेरा हो जाता है। अभी 5 बज गए हैं और मेरे को 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटा ड्राइव करूंगा, 7 बजे तक ड्राइव करेंगे, 7 बजे तक कोई लोकेशन ढूंढेंगे एंड वहीं फिर हमारा स्टे रहेगा। आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है इधर पाकिस्तान का बॉर्डर है, और राइट में ऊपर की तरफ आप देख सकते हो पूरे स्नो माउंटेन है, और नीचे की साइड से एक नदी बह रही है। और हम अभी पहुंचने वाले द्रास में, द्रास एक ऐसी जगह जहाँ कारगिल की जंग हुई थी, वहाँ कारगिल वॉर मेमोरियल बना हुआ है। द्रास एक ऐसी जगह है जो इंडिया के सबसे कोल्डेस्ट प्लेस में से एक है। एक टाइम यहाँ पे ऐसा भी आता है जब आप ग्लास से पानी ऊपर उछालोगे तो वो जम जाता है, ये भी आता है। तो यानी कि ये सब इंडिया की सबसे कोल्डेस्ट जगह पे आज हम नाइट बिताएंगे। और नीचे की साइड में आप रिवर व्यू देख सकते हो, में जो है इसी रेंज में आगे चल के आएगी टाइगर हिल, जहाँ पाकिस्तानी सेना चढ़ के आ गई थी। तरफ एक झरना है जो देखो
कम्प्लीटली जम चुका है और मैं पहुंच गया हूँ द्रास में। और देखो कितनी ठंडी हो गई, अब आप अंदाजा लगाओ पानी बाहर रहता है तो वैसे जम जाता है। द्रास में आप देख पा रहे होंगे काफी अच्छे नजारे हैं यहाँ से। ये एक प्रॉपर्टी मिली है मेरे को ग्रैंड स्नोलैंड करके, यहाँ बढ़िया पार्किंग भी अवेलेबल है। ये अपनी गाड़ी और वो वाला रूम अपना है आज का। एंड अभी सारा सामान पहले जो जो चाहिए वो चीजें लेके रूम में चलते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट नहीं मिलेगा बट ठीक है, मैनेज हो जाएगा। काफी बड़े कंबल है और ये अपना सामान, ये छोटी सी अलमीरा, ये वॉशरूम है, काफी अच्छा वॉशरूम है, गर्म पानी आ रहा है। थोड़ी देर में डिनर करके आएंगे बाहर जाके। सो एवरीबॉडी, अभी मैं देखो हूँ तो द्रास में ही और अपने को मिले नीरज भाई और ये एक राइडर है एंड भाई भी आज सोलो राइड कर रहे हैं और ये मिल गए। हमने प्लान किया था साथ में डिनर विनर करने का। नहीं वैसे तो मैंने किया हुआ सचपास भी किया हुआ है। अच्छा सचपास किया, सचपास धर्मशाला पर रोड गन शिमला कसौली वगैरह सारा किया। अच्छा अच्छा नियर भाई सारा किया, बड़े रूट में पहली बार हो। बड़े रूट में सचपास भी मैंने किले किया। इसने सचपास भी बहुत खतरनाक जगह है, खतरनाक जगह है, वो भी मैंने किले किया था। थोड़ी देर बैठते हैं, दो बातें करते हैं भाई से। इतने दूर आने के बाद में कितने दिनों के बाद पूरे कश्मीर सोलो ने निकाल दिया, अभी कोई भाई मिला तो दो बातें करते हैं फिर आप लोगों से बात करेंगे। सूप बन रहा है टमाटो सूप एंड नीरज भाई एक्सपर्ट बंदा अपना यार, इसकी बड़ी नीड थी यार, गला वाला बड़ा खराब है। पास्ता रेडी है, पहले पास्ता खाएंगे उसके बाद एक दो आइटम और भी बनने वाले हैं यार आज। ये मैगी खाएंगे इसके बाद दो तीन आइटम बनने वाले हैं। थर्ड वन ये है, इसमें तो गर्म पानी डालना है और ये तैयार हो जाएगी। कप नूडल्स भी रेडी है, ये कैन सी आज दो तीन आइटम खा लिए और सारे ये ऐसे रेडी टू ईट वाले ही फूड है। एंड भाई भी खा के बैठे हैं, अभी भी कुकिंग चल रही है कुछ ना कुछ है। लेकिन इसका मजा पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि इसे हीट आ रही है, हमें इसे ओ नहीं पड़ा ये कब का। I hope it reaches you. I know it's been a long time since you heard from me. I'm still kicking around here in Tennessee. I heard you got a new